वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारे प्रोफेसर वाहिद उमर साहब हैं जो 30 जनवरी को न्यू वर्ल्ड ग्रुप ऑफ कंपनी के से टूर इन्होंने जो है कराची से मक्का के लिए रवाना हुए थे। अब मैं वाहिद साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये पूरा जो टूर इनका 20 दिन का टूर हुआ है, तो उस टूर में इनको क्या परेशानियाँ हुई हैं या क्या आसानियाँ हुई हैं और ये टूर इनके लिए कैसा साबित हुआ? जी वाहिद साहब। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि न्यू वर्ल्ड ग्रुप ऑफ कंपनी जो है माशाल्लाह उन्होंने जो ग्रुप अरेंज किया और इसको बड़ा बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज किया और आपने इसको लीड किया, आपने भाई से ग्रुप लीडर के जाए सा, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा जो है। हम यहाँ पर आए 30 जनवरी से और हमारा 19 फरवरी तक का ये ट्रिप था, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और आपने जो जाहिर साहब जो हमारे ग्रुप लीडर हैं उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से हमें कराची से ही, मतलब जब हम इंटर हुए एयरपोर्ट पे तो वहीं पर ही हमें मिले और उन्होंने हमारी को जो है फैसिलिटेट किया हमारे एयरपोर्ट पर भी, और उसके बाद फिर जहाज़ में भी हमें जो है चीज़ें समझाई कमरे से मुतालिक और उसका लबैक जो है वो विद करवाया। रास्ते में भी मुलाकात की जब जगह आई तो आपने उसको भी पॉइंट आउट कराया कि भाई अब मुलाकात आ गया, अब आपने ज़रा एहतियात करनी है। और भी उसके बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह जद्दा उतरे और जद्दा एयरपोर्ट से फिर इन्होंने वहाँ पर भी हमें बड़ी सहूलत दी न्यू वर्ल्ड की तरफ से जाहिर साहब ने, और फिर होटल में लेकर आए, होटल में भी इन्होंने सारे तरीके से हर चीज़ हमें समझाई। और उसके बाद जो है इन्होंने हमें अंदर के लिए लेके गए और साथ अपने होटल में सामान वगैरह रख पा के सब कुछ करके वहाँ उम्रे में भी इन्होंने हमें लीड किया और पूरे ग्रुप को साथ में लेके चले, हर चीज़ इन्होंने समझाई। बहुत अच्छी तरीके से हमारा उम्रा भी अलहमदिल्ला अदा हुआ, हालांकि बहुत रश था, बहुत ज़्यादा था, लेकिन बहरहाल इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया माशाल्लाह। और उसके बाद जो न्यू वर्ल्ड की तरफ से जो ज्यारत थी मक्का की वो भी कराई जाहिर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से, और फिर उसके बाद ताइफ की ज्यारत थी वो भी बहुत अच्छी तरीके से हुई हमारी ज्यारत। और उसके बाद ज्यारत वगैरह ताइफ से करने के बाद फिर हम लोग जो है वहाँ से रवाना हो गए 9 फरवरी को मदीना के लिए। तो मदीना में कभी हमारा रास्ते में भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, नाते वाते पढ़ते हुए और बताते हुए समझाते हुए हमें सब ये लेकर आए। और फिर मदीना में जब हम पहुँचे तो होटल में सब को कमरे में देने के बाद जाहिर साहब हमें फिर ले गए मस्जिद नबी में, वहाँ पर सारे ग्रुप के मेंबर्स को इन्होंने समझाया कि रिश्ता आपको होटल से इस तरह से जाना है, ऐसे जाना है, ये हजूर का रोज़ा है और ये जन्नतुल्बकी कब्रिस्तान है, ये वाशरूम के हैं, ये है, हर चीज़ तमाम लोग उन्होंने अच्छी तरीके से समझाई माशाल्लाह। और फिर मदीने के अंदर जो है दो जगह हमें ज्यारतों पर ले गए, एक मदीने की ज्यारत कराई जो भी वहाँ पर मुकद्दस मकाम थे उसकी ज्यारत कराई, और उसके बाद आप हमें बदर की ज्यारत पर ले गए। बदर के जाते वक्त जो भी दो बहुत ही मतलब ये दो कुएँ आए जो कि बीर रवा और जो है आब शिफा, उसकी विजिट कराया, फिर जबल मलाइका का विजिट भी कराया, फिर